अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राबिया हसन और ईपी के रिव्यू में आज हम रिव्यू करेंगे हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म कायद आज़म जिंदाबाद के हाल ही में रिलीज़ होने वाले टीज़र का, विच इज़ प्रेजेंटेड अंडर द बैनर ऑफ फिल्म वाला पिक्चर्स इन एसोसिएशन विद विली टीवी एंड एवरेडी पिक्चर्स। और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फिजाली मिर्ज़ा और मेहदी अली, एंड ऑफकोर्स इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाई नबील कुरैशी। और इसका जो स्क्रिप्ट है वो भी फिजाली मिर्ज़ा और नबील कुरैशी ने एक साथ लिखा है। सो दिस टीम इज़ नॉट न्यू फॉर अस, इससे पहले इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ और लोड वेडिंग जैसी फिल्में हम देख चुके हैं। सो दिस इज़ देयर फिफ्थ प्रोडक्शन आफ्टर अ गैप ऑफ 2 ईयर्स। एक और जो इनके बड़े इंपॉर्टेंट टीम मेंबर हैं वो हैं फाद मुस्तफ़ा, जो कि हमेशा इनकी फिल्मों में लीड कैरेक्टर प्ले करते हैं, एंड ऑफकोर्स इन दिस फिल्म कायद आज़म जिंदाबाद में भी ही प्लेज़ एज द मेन प्रोटैगनिस्ट इन दिस फिल्म। और इनके साथ हैं इनके लव इंटरेस्ट के रोल में माहिरा खान। सो ये इन दोनों की जो है एक साथ पहली फिल्म है। हम बात शुरू करते हैं टीज़र की ओपनिंग से, विच स्टार्ट्स ऑफ विद अ वैरायटी ऑफ एरियल शॉट्स इंक्लूडिंग इंटीरियर ऑफ अ प्लेन, और साथ ही में बैकग्राउंड में पुलिस का सायरन हमें सुनाई देता है, विच इमीडिएटली टेल्स अस के इट्स गोइंग टू बी अ कॉप एक्शन फिल्म। सो हम काफ़ी सारा एक्शन जो है वो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही एंट्री होती है बड़े धांसुदार तरीके से फहद मुस्तफ़ा की, जो कि एक पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं और अपने मस्कुलर आर्म्स दिखाते हुए काइंड ऑफ डिस्प्लेज हिज पावर एंड मैस्कुलिनिटी वेरी स्पेसिफिक टू अ फियर्स एक्शन हीरो। उसके बाद फौरन ही फ्रेम में एंट्री होती है मायरा खान की बड़े एक भरपूर एक्शन के साथ, और उन्होंने भी हाथों में जो है वो पेपर स्प्रेज पकड़े हुए हैं, शी इज़ वेयरिंग अ रेड जैकेट और गन्स एंड रोजेज़ की टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई है विद अ नो मेकअप लुक। सो इट्स अ काइंड ऑफ यू नो एक बैड एस और स्वीट से कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन है जो उनके रोल में नज़र आ रहा है। सिंस ये उनकी पहली फिल्म है फहद मुस्तफ़ा के साथ दोनों की एक साथ, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होगी इसके अंदर, एस्पेक्ट होगा इस फिल्म का विच इज़ गोइंग टू हुक द ऑडियंस। फिर इसके बाद हमें बड़े रैपिड एक्शन स्निपेट्स भी नज़र आते हैं जिसमें प्लेन के एरियल शॉट्स भी हैं, दे हैव बीन शॉट वेरी वेरी नाइसली और बड़े इंगेजिंग लग रहे हैं। उसमें जो उनका VFX है वो भी उस पर भी काफ़ी मेहनत की गई है। इस तरह के यूजुअली जो शॉट्स होते हैं, सीन्स होते हैं, वो हमें मिशन इम्पॉसिबल या जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्मों में नज़र आते हैं जिसमें हीरो या तो प्लेन के साथ लटका हुआ होता है या ही हैज़ टू जंप आउट ऑफ द प्लेन। सो लेट्स सी अगर फहद मुस्तफ़ा भी हमें कुछ इसी तरह का कुछ सिमिलर करते हुए नज़र आते हैं या नहीं। दरमियान में गानों के कुछ ग्लिम्पसेस भी हमें नज़र आते हैं विच आर वेरी वेरी कलरफुल, और इनकी जो कोरियोग्राफी है वो तरतीब दी है निगाह हुसैन ने, दे आर वेरी वेरी एंटरटेनिंग और बड़े वो मज़ेदार लग रहे हैं बोथ फहद मुस्तफ़ा एंड मायरा खान, दे लुक वेरी ग्लैमरस। और इसमें ज़रा उनकी एक मुख्तलिफ सी जो एक लुक है वो गानों में हमें नज़र आती है। इसी तरह से सिनेमेटोग्राफी जो है वो भी दैट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव, इसके जो DOP हैं राना कामरान, ही सीम्स टू हैव डन अ गुड जॉब। टीज़र जब ख़त्म होता है तो इट एंड्स विद अ वेरी वेरी पावरफुल क्वेश्चन विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑडियंस ऑल्सो, और इसका जवाब जानने के लिए ऑडियंस सिनेमा हॉल ज़रूर जाएगी, सिनेमा का रुख ज़रूर करेंगे आप लोग। ये सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगी, यू हैव टू वॉच द टीज़र फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे एक और मैं चीज़ ये कहूँगी कि जब आप टीज़र देखेंगे तो आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि ये जो है किसी और फिल्म की कॉपी है, आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ इसमें शायद नज़र आएँ, ख़ासतौर पर फहद मुस्तफ़ा के ओवरऑल जो लुक है, उनके स्टाइल है उसके हवाले से, जो उनका हेयर स्टाइल है या उनकी मुस्टैश है, अदर देन द यूनिफॉर्म ऑफकोर्स, या फिर जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनमें आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ सकती हैं। इन सारी सिमिलैरिटीज़ के बावजूद जो टीज़र का एक ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, एंड द टीज़र लुक्स रियली रियली फैंटास्टिक। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पूरी दुनिया में एक क्राइसिस है, एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू ग्लोबल पेंडेमिक, और बाकी बिजनेस की तरह सिनेमा का भी जो बिज़नेस है इट हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो ऐसे में हमारी जो इस तरह की अपकमिंग फिल्में हैं दे आर एक्चुअली गोइंग टू एक्ट एज सेवियर्स। इस फिल्म का जो है टीज़र उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, एंड इट मेक्स द फिल्म वर्थ अ वॉच। एक टीज़र का पर्पज़ यही होता है कि वो क्यूरियोसिटी को अराउज करता है, एंटिसिपेशन को अराउज करता है, और इस टीज़र के अंदर तमाम वो इन्ग्रीडियंट्स मौजूद हैं। और इसकी जो रिलीज़ डेट के हवाले से हमारे पास एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये है कि 2021 में इसे ईद उल फितर पे रिलीज़ करने का इरादा किया गया है। सो वी होप कि ये जो फिल्म है ये एक पॉजिटिव ट्रेंड सेट करेगी बाकी आने वाली फिल्मों के लिए भी जिनकी रिलीज़ पेंडेमिक की वजह से रुकी हुई है, और ना सिर्फ ये सिनेमा हॉल्स की जो रौनक है उसको बहाल करने में मददगार साबित होगी बल्कि
जो हमारे सिनेमा ओनर्स हैं या ट्रेड से जुड़े लोग हैं उनके लिए बिजनेस जनरेट करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी. सो वी विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द ट्रेलर नाउ.